हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर सॉरी पार्ट 3 लॉगरिथम का। और पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4D सॉरी 1D का क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें एक एक करके सॉल्व करने हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में लॉग 2 बेस 10 इक्वल टू एक्स और दूसरा लॉग 3 बेस है 10 इक्वल टू वाई और आपसे क्वेश्चन कह रहा है लॉग 60 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी। एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस करिए और सारा आंसर इसमें का जो दिया हुआ है वो एक्स और वाई के फॉर्म में दिया है, यानी इसकी वैल्यू एक्स और वाई के फॉर्म में आपको लिखनी है। सर 60 हमको लॉग 2 की वैल्यू एक्स में हम बदल सकते हैं, लॉग 3 बेस 10 की वैल्यू वाई में बदल सकते हैं, 60 की वैल्यू नहीं बदल सकते। बिल्कुल बदल सकते हैं, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं लॉग 60 को 2 इंटू 3 इंटू 10 और बेस यहाँ पे 10। ठीक सर, क्यों आप इसको 2 3 10 लिख दिए, क्योंकि लॉग 2 की वैल्यू पता है, 3 की वैल्यू पता है, लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू हमें 1 पता है, इसलिए हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू इसको लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग 2 बेस 10 प्लस लॉग 3 बेस 10 प्लस लॉग 10 बेस 10 और लॉग 2 बेस 10 की वैल्यू है एक्स, लॉग 3 बेस 10 की वैल्यू है वाई प्लस लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1 और ये हो गया हमारा आंसर। बी आंसर दिया हुआ है इसका, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 18 पे, 1D का क्वेश्चन नंबर 18। लॉग 2 बेस 10 की वैल्यू दिया है एक्स, लॉग 3 बेस 10 की वैल्यू दिया है वाई और आपसे कहता है कि लॉग 1.2 बेस 10 की वैल्यू को एक्सप्रेस करिए इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन ये सेम इसी तरह का है, यहाँ पे भी लॉग 2 लॉग 3 की वैल्यू दी गई थी, लॉग 60 की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, यहाँ भी लॉग 2 लॉग 3 की, यहाँ लॉग 1.2 की वैल्यू पूछ रहा है। सर इसको भी हम एक्स वाई के फॉर्म में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। लॉग 1.2 को आप 12 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं बेस 10, ये चीज़ और इस चीज़ में कोई अंतर नहीं है। अब इसको लॉग एम बाई एन को आप लिख सकते हैं लॉग 12 बेस 10 माइनस लॉग 10 बेस 10, लॉग एम बाई एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन और लॉग 12 की वैल्यू आप लिख सकते हैं लॉग 2 का पावर 2 बेस 10, 4 होता है ये, 4 इंटू 3 तो प्लस हो जाएगा लॉग 3 बेस 10। ये जब 4 इंटू 3 करेंगे तो लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगा और वो दो पार्ट में लॉग एम, ये 4 है, लॉग एम प्लस लॉग एन ऑलरेडी माइनस लॉग 10 बेस 10 यहाँ दिया हुआ था, 2 यहाँ से उठ के यहाँ चला आएगा। अब आ जाइए 2 लॉग 2 की वैल्यू दिया हुआ है एक्स, 2x प्लस लॉग 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई -1। आंसर दिया हुआ है 2x प्लस वाई -1, सी ऑप्शन दिया हुआ है, ये सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है लॉग एक्स इक्वल टू एम प्लस एन, लॉग एक्स इक्वल टू एम प्लस एन कुछ
कुछ कठिन नहीं है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। लॉग वाई इक्वल टू एम माइनस एन, आपसे कह रहा है लॉग 10x अपॉन वाई स्क्वायर को एक्सप्रेस कर सकते हैं आप एफ और एन के फॉर्म में। यहाँ एक्स और वाई है, इसको एम और एन में बदलना है, तो सबसे पहले तो यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको आसान बनाएंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू लॉग एम बाई एन, को लिख सकते हैं आप लॉग एम 10x माइनस लॉग वाई स्क्वायर, और 10x को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लॉग एम इंटू एन, 10 कुछ नहीं है तो बेस सबका 10 ही है, और ये हो जाएगा लॉग एक्स एम इंटू एन, लॉग 10 प्लस लॉग एक्स माइनस, ये 2 पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 लॉग वाई, और इस यहाँ से आप वैल्यू लॉग 10 बेस 10, कुछ ना वैल्यू लिखा हो बेस में तो 10 है, लॉग 10 बेस 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू दिया हुआ है एम प्लस एन माइनस 2 इंटू लॉग वाई की वैल्यू है एम माइनस एन 1 प्लस एन माइनस 2 एम प्लस एन, और यहाँ से सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 एन, ये हो जाएगा 2 3 एन, एक प्लस में एन है ये है और प्लस 2 3 एन माइनस एम 2 एम माइनस में है प्लस है माइनस एम बचेगा, अब प्लस 1 बचा यहाँ पे प्लस 1, आंसर 3 एन प्लस 1, 3 एन प्लस 1 माइनस एम, ऑप्शन नंबर ए 1 प्लस में है, इसको ऑप्शन नंबर ये लिखा हुआ है प्लस 1 माइनस एम प्लस 3 एन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑप्शन ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या दिया हुआ है, यानी अभी तक ये सारे क्वेश्चन काफी बेसिक थे, पूरा लॉग ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मिटा दें हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा लिखा हुआ है 2 log 5 base 10 प्लस log 8 base 10 माइनस 1/2 log 4 base 10, करा इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर, इसको सिंप्लीफाई करना है, लॉग बेस 10 है तो इसको भी 10 बना दीजिए, ये लीजिए देखिएगा 2 log 5, लॉग 5 को क्या लिख सकते हैं सर 10/2 base 10, सर 10/2 क्यों कर दिया आपने, यहाँ भी लॉग में ये वैल्यू 2 में आ जाएगी, 8 को आप 2 का पावर 3 लिख देंगे तो लॉग 2 में आएगा ये भी वैल्यू, इसको 2 का पावर 2 लिख देंगे 4 को तो ये भी वैल्यू लॉग 2 के फॉर्म में मिलेगी, तो इसको भी हमने क्या बदल दिया लॉग 10 के फॉर्म में वैल्यू मिलेगी इसकी और लॉग 2 के फॉर्म में मिलेगी, जिससे कुछ ये आसानी से कैंसिल वगैरह होके वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, इसलिए लॉग 5 को ये 2 के फॉर्म में है, ये भी लॉग 2 के फॉर्म में, तो इसको भी बदल सकते हैं हम, तो 5 को 10/2 लिख दिया हमने प्लस इसको लिख देंगे लॉग 2 का पावर 3, बेस तो सबका 10 ही है, माइनस 1/2 इसको लिख सकते हैं लॉग 2 का पावर 2 base 10, और आगे इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 log 10 base 10 m by n माइनस log 2 base 10, और ब्रैकेट बंद हो गया क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई दोनों में है, प्लस 3 पहले आ जाएगा 3 log 2 base 10 माइनस 1/2, 2 पहले आ जाएगा 2 log 2 base 10, और इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 log 2,
बेस 10 और ये है प्लस 3 लॉग 2 बेस 10 और ये है माइनस, 2 से 2 कैंसिल, माइनस लॉग 2 बेस 10 और यहाँ से माइनस में 2 और ये माइनस में 2 और 3, 3 लॉग 2 है माइनस में और ये 3 प्लस में है, पूरा कैंसिल हो गया, 2 आ गया आंसर। आंसर क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है लॉग, इसके लिए जगह चाहिए, जल्दी से नोट करिए, थोड़ा सा ये बड़ा है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। हो गया, ये नोट कर लिया आपने, क्वेश्चन नंबर हो गया 21, ये देखिएगा। लॉग वन माइनस कर्ली ब्रैकेट, फिर वन माइनस स्मॉल ब्रैकेट, वन माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस वन, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी ये वन, फिर उस पर भी माइनस वन, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उस पर भी माइनस वन बाई टू, और इसको कैन बी रिटन एज अ, सिंप्लीफाई करके कैसे लिखा जा सकता है, तो ये देखिएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू लॉग वन माइनस, इस स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, वन माइनस कर्ली ब्रैकेट वन माइनस, इस पे पावर माइनस वन होने का मतलब ये हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हो गया बंद, ये ब्रैकेट ये लगेगा कर्ली ब्रैकेट, इस पे हो गया माइनस वन और इस पे भी पावर हो गया माइनस वन बाई टू, स्मॉल ब्रैकेट ये माइनस वन, इसको क्या कर दिया, नीचे भेज दिया। अब यहाँ से आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है लॉग वन माइनस कर्ली ब्रैकेट, इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, एलसीएम लिया आपने वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स ये हो जाएगा ऊपर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया वन आ गया, ये हो गया माइनस वन और ये ब्रैकेट बंद, इस पे भी है पावर माइनस वन और पूरे पे पावर माइनस वन बाई टू, ये वन से वन कैंसिल हो गया, माइनस ये वैल्यू माइनस में है, चलिए लॉग वन माइनस, ये माइनस का मतलब हो गया कि ये माइनस अगर ब्रैकेट खोलेंगे आप तो ये माइनस का मतलब होता है अपोजिट, अगर ए पे पावर माइनस वन है तो इसका मतलब वन बाई ए, और वन अपॉन ए पे पावर माइनस वन है तो इसका मतलब होता है ए, और ये है ए बाई बी, इस पे पावर माइनस वन का मतलब होता है बी बाई ए, ये भी इन्वर्स हो जाएगा, ये भी इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर इस पे माइनस वन है तो ये वैल्यू हो जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में, ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा, इस पे पावर माइनस वन बाई टू है, यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ कुछ नहीं तो वन, ये हो जाएगी वैल्यू लॉग एक्स स्क्वायर और यहाँ ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स स्क्वायर से कैंसिल तो वन माइनस एक्स स्क्वायर और इस पे पावर माइनस वन बाई टू, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा लॉग वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, इस पे पावर माइनस वन बाई टू, और ये देखिएगा माइनस का मतलब यहाँ पे हो गया कि इसका अपोजिट कर देंगे आप तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर पे पावर वन बाई टू, और वन बाई टू इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू मिल गई आपको लॉग एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई टू से ये कैंसिल, इक्वल टू लॉग एक्स आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से सॉल्व करें, नोट करें आप इसको, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये चीज़ यहाँ से मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 21, क्वेश्चन नंबर है 21, ये देखें, सॉरी 22, सिंप्लीफाइड, इसको कह रहा है सिंप्लीफाई करिए किसको, यहाँ रूट का पावर दिया हुआ है क्वेश्चन में 4, यहाँ है 729 और यहाँ दिया हुआ है फिर अंडर रूट में इस रूट का पावर है 3,
सर हमारे स्टडी मैट में ये 3 बाहर लिखा हुआ है, गलत प्रिंट हो गया है, ये रूट का पावर है 3। और फिर इस पे है 9 पे पावर -1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 27 पे पावर -4/3। इसी को सॉल्व करना है तो दिक्कत क्या है, इसको सॉल्व कर देते हैं। इक्वल टू इसका पावर 4 729, ये रूट में अभी इसको रहने दीजिए, रूट का पावर 3। 9 को लिख सकते हैं आप 3 पे पावर 2 और 2 पे -3 पे पावर 2 और इस पे -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा इनटू 27। 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और ये हो जाएगा 3 का पावर 3 इनटू -4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे भी, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये देखिएगा ये हो जाएगा 3 का पावर, ये पावर ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये पावर हो जाएगा इक्वल टू रूट का पावर यहाँ 4 है, 729 है और ये रूट का पावर 3 है, ये वैल्यू हो जाएगी 3 का पावर -6। 3 पे पावर -2 और 3 पे पावर -4 दोनों आपस में मिल जाएंगे तो -2 और -4 मिलेंगे तो -6 हो जाएगा, तो -6 हो गया पावर। सर इस पे ये जो अंडर रूट लगा हुआ है इसका मतलब, सर अंडर रूट में अगर ए लिखा हुआ है इसका मतलब ए का पावर 1/2, अंडर रूट का पावर 3 है ए पे तो इसका मतलब 1/3, अंडर रूट का पावर 4 ए है तो इसका मतलब ए पे पावर 1/4। इसका मतलब अगर ये चीज़ हम यहाँ से हटा दें अंडर रूट वाली तो इसका मतलब हो जाएगा इनटू पावर इस पे 1/3 हो जाएगा, हाँ इस पे पावर 1/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये पावर -2 बचेगा यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया पावर 4, 729 इनटू 3 पे पावर -2। 729 को जानते हैं आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 3 का पावर 3 इंटू टू 3 4 5 6, ये है 3 का पावर 6, ये 3 का पावर 6 है इनटू 3 का पावर -2। अब फिर पावर ऐड हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है एल ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन और ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर माइनस एन, तब भी जोड़ दिया जाएगा लेकिन साइन माइनस हो जाएगा ए टू द पावर एम माइनस एन, तो ये हो जाएगा 6 - 4, तो ये हो जाएगा रूट में पावर 4 3 का पावर 4। और पता है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से अगर ये रूट का पावर हटाएंगे तो अगले स्टेप में आप इसको इनटू 1/4 लिख सकते हैं, इसका पावर 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, पूरा इसका सॉल्यूशन भी है, जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था टोटल क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे आपके स्टडी मैट का, सीए फाउंडेशन के स्टडी मैट का एक्सरसाइज 1D कंप्लीटली सॉल्व हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23, और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस सी इंटू लॉग सी बेस ए होल का पावर 3। सर आपने शुरू में ही बताया था कि जब तक बेस इक्वल ना हो जाएं तब तक आगे कुछ सॉल्व मत करिएगा, बिना इक्वल बेस के सॉल्व करना गलती करना है, तो आप गलती नहीं करेंगे। सर इसका बेस क्या, कुछ भी बेस रख लीजिए, तो मान लीजिए लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख दिया हमने इसको, सर यहाँ बेस क्या है, मान लीजिए सी है तो सी है, मान लीजिए डी है तो डी है, मतलब दोनों जगह बेस सेम है, मान लीजिए यहाँ भी 10, मान लीजिए यहाँ भी 10, मतलब दोनों जगह सेम है, सेम बेस ले लिया आपने तो लिखे नहीं, यहाँ भी नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू लॉग, क्योंकि आपको हमने बताया था कि लॉग
अगर ए बेस बी हो तो बेस का चेंज करते समय इसको एक तरह से बेस चेंज किया जा सकता है, वन अपॉन लॉग बी बेस ए। अगर नंबर को बेस, बेस को नंबर बनाना है तो इस वन अपॉन करके लिखना होता है, नया बेस लिखना है लॉग ए बेस बी है तो लॉग ए बेस सी कर दीजिए, लॉग बी बेस सी कर दीजिए, बेस सी नहीं लिखना है तो लॉग बेस 10 लिख दीजिए। बेस चेंज करने का दो तरीका, ऐसे भी कर सकते हैं। सर यहाँ अगर हम यहाँ ए बी को करेंगे, यहाँ भी चेंज करेंगे तो ये दो सब डिफरेंट आएंगे। डिफरेंट कैसे, मतलब यहाँ अगर इसका अपोजिट करेंगे तो यहाँ का बेस ए हो जाएगा, फिर यहाँ का बेस बी हो जाएगा, फिर यहाँ का बेस सी हो जाएगा। इसलिए ये वाला बेस चेंज करने का फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाया गया है, ये लगाया गया है सब जगह 10 लगाइए, हर जगह सी लगाइए, हर जगह एम लगाइए, बेस दोनों जगह सेम लगा के दोनों जगह सेम यहाँ लिख दिया हमने लॉग ए अपॉन लॉग बी, और ये हो जाएगा लॉग बी अपॉन लॉग सी, और इनटू ये हो जाएगा लॉग सी अपॉन लॉग ए, और इस तरह से पावर 3। लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, लॉग सी से लॉग सी कैंसिल, लॉग बी से लॉग बी कैंसिल, ये वैल्यू टोटल कैंसिल होके 1 का क्यूब 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, लॉगरिथम ऑफ लॉग ऑफ 64, बेस दिया हुआ है 2√2, जानते हैं 2√2 आपको बनाना है 64 को, ऐसे करिएगा 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4, 2 बेस यहाँ 2 भी है, √2 भी है, तो 3 इसमें से क्या करिए, अब 1 2 3 4, 4 2 ले लीजिए, और इसको भी √2 बना दीजिए, इसको भी √2, इसको भी √2, और इसको भी √2, तो ये देखिएगा 1 2 3 4, 4 √2 भी है, और 1 2 3 4, 4 2 भी है, आपका काम हो गया। इसको लिख सकते हैं आप लॉग 2√2 पे पावर 4, और इसे भी लिख सकते हैं बेस 2√2, क्योंकि यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो 64 ही आएगा, और m^n 4 यहाँ पे है, ये पहले आ जाएगा 4 log 2√2 बेस 2√2, लॉग ए बेस ए की वैल्यू 1 होती है, 4 × 1 = 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 भी सॉल्व हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर है 25, और ये एक्सरसाइज 1D का लास्ट क्वेश्चन मिल गया आपको। चलिए सर लिखा हुआ है log 25 base 8 की वैल्यू बताइए, क्या होगी इसकी वैल्यू यदि हमने बता दिया log 2 की वैल्यू 0.3010, जानते हैं कुछ नहीं है तो base 10 है, ये log 2 की वैल्यू दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ, मतलब बेस कॉमन बेस base 10 पे काम हो रहा है, यहाँ पे base 10 है, यानी हमें भी इस पे जो काम करना होगा base 10 बनाना होगा, और base 10 बनाने के लिए ये देखिएगा log 25 base 10 अपॉन log 8 base 10 कर दिया हमने इसको log में, ये इसका हमने बेस चेंज कर दिया, ठीक, बेस सेम हो गया। अब आगे काम करिए, इसको लिख सकते हैं log 5 का पावर 2 base 10, और इसको लिख सकते हैं आप log 2 का पावर 3 base 10, और इसको लिख सकते हैं आप 2 पहले आ गया 2 log 5 base 10, और इसको लिख सकते हैं आप 3 log 2, यहाँ बेस कुछ भी नहीं लिखे तो बेस सबका क्या है 10 है। चलिए सर 2 की वैल्यू तो 2 होती है, ये तो लिख देंगे हम, 3 की 3 होती है, log 2 base 10 की वैल्यू यहां दी गई है 0.3010, ये वैल्यू दी गई है, लेकिन log 5 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो कैसे वैल्यू फाइंड करें। log 5 को भी log 2 के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, देखिएगा कैसे, log = 2 बाहर लिख दिया हमने 2, और इसको लिख देंगे आप log 10/2, 10/2 मतलब 5 को 10/2 लिख दिए, अपॉन 3 log 2 base 10, और इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू, इधर ही लिखिए,
टू इंटू 10/2 लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग 10 बेस 10, सब जगह बेस 10 है, माइनस लॉग 2 बेस 10 अपॉन 3 लॉग 2 बेस 10। लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 2 इंटू 1 होती है सर, इसकी वैल्यू 1 हो गई। लॉग 2 की वैल्यू दिया है 0.3010 अपॉन 3 इंटू 0.3010। लॉग 2 की वैल्यू यहाँ भी दी गई है, देख रहे हैं आप, लॉग 25 बेस 8 की वैल्यू यहाँ से आपने फाइंड कर लिया। ये लीजिए, वन माइनस 0.3010 इक्वल टू दिस डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 0.3010, ये वैल्यू आ गई 0.7404 इंटू 2, 1.54, आंसर दिया 1.5482, 1.5482 आंसर। और इस तरह से सॉल्व होता है आपका ये पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 25 1D का सॉल्व। नोट कर लिया आपने इसे? अभी सॉल्व करने वाले हैं, इसके बाद जो हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है एक्सरसाइज 1D खत्म। ठीक सर, लॉ का और भी क्वेश्चन करवाएंगे, और क्वेश्चन करवाएंगे आप जब तक आपकी प्रैक्टिस ना, क्वेश्चन हर ढंग का, यानी कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, देखिएगा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, एडिशनल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस। और ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक में शुरू होता है, जानते हैं किस पेज से, निकालिए चैप्टर 1 में जो आपके बुक के पीछे एडिशनल क्वेश्चन बैंक दिया है, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होता है एडिशनल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन। आइए इसको भी सॉल्व करते ही हैं। 61, लॉग 1 प्लस 2 प्लस 3 इज एग्जैक्टली इक्वल टू, ये किसके इक्वल है सर, इसको तो आप लिख सकते हैं 3 प्लस 2 5 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू लॉग 6। और लॉग 6 को दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको आप लिख सकते हैं लॉग 1 इंटू 2 इंटू 3, ये भी आप बोल सकते हैं, और ये भी ऑप्शन सही है। और ये अगर ऑप्शन दिया हो कि लॉग एम इंटू एन, देखिएगा 6 हो जाएगा ये, और 6 को 1 2 3 के फॉर्म में मल्टीप्लाई में भी लिखा जा सकता है, और 3 इंटू 2 इंटू 1 6 भी होता है। इसको अगर एम इंटू एन के फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग 1 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 3 भी लिखा जा सकता है, तो ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है। जानते हैं ए ऑप्शन ये दिया है, बी ऑप्शन ये दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है, हाँ बी ये दिया हुआ है, ये बी है और ये ए है। और कह रहा है सी में क्या बोथ ए और बी दोनों सही हैं, तो हाँ ए और बी दोनों सही हैं, बस लिखने का तरीका अलग था। 6 को कोई 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया तो ये भी ठीक है, 6 ही है, कहाँ बदला, 6 तो 6 ही है सर। लॉग एम इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा दिए तो लॉग 1 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 3। सर इसमें और इसमें अंतर, बहुत अंतर है, ये लॉग 1 प्लस 2 प्लस 3 है, ये लॉग 1 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 3 है, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 62 और इसमें लिखा हुआ है लॉग 21,952, बेस है 2√7, दूसरा कह रहा है लॉग 19,683,
बेस 3√3, क्या ये दोनों इक्वल हैं? या जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, नॉट इक्वल है, इनमें डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, सब दिया हुआ है, तो इनकी इसकी भी वैल्यू फाइंड करते हैं। सर यहाँ बेस 2√2 है, यहाँ बेस 3√3 है, इस वैल्यू को किस में चेंज करने का प्रयास करिएगा? 2√2 के फॉर्म में। इस वैल्यू को किस में चेंज करने का प्रयास करिएगा? 3√3 के फॉर्म में। आइए चेंज करें, पहले इसको 21,952 टू से डिवाइड करें आप इसको, ये आ जाएगा 10 और 9 और ये 15, 7 और ये हो गया 6, टू से डिवाइड किया आपने 5, 4, 17, 8, 8, टू से डिवाइड किया आपने 2, 7, 4, 4, टू से डिवाइड किया आपने 1, 3, 7, 2, टू से डिवाइड किया आपने 6, 17, 8, 6, टू से डिवाइड किया आपने 3, 4, 3, 7 से डिवाइड किया आपने 49, 7 से डिवाइड किया आपने 7, यहाँ पे 2√7 है ना, ये 2√7, ये लीजिए। तो √7 का दो पार्ट करेंगे तो इसको √7 × √7 लिख सकते हैं आप, इसको भी √7 × √7 लिख सकते हैं आप, इसको भी √7 × √7 लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इस पूरी वैल्यू को आप लिख सकते हैं 2√6 × √7 और दोनों को एक में मिला के 2√7 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया लॉग 2√7 बेस 2√7, ये पावर पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 2√7 बेस 2√7, लॉग ए बेस ए की वैल्यू 1 होती है तो इक्वल टू 6 × 1 इक्वल टू वैल्यू आ गई 6। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, ये देखिएगा 19683, टू से डिवाइड किया आपने, नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड किए और ये होता है 6 18, 1 116, 5 16 1 18, 6 3 1, 3 से डिवाइड किया आपने, ये हो गया 2 और ये 1 2 26 8 2 7, 3 से 7 और 8 2 6 9, 3 से 2 नहीं 2 7 6 1 12, 4 3 2 4 3, 3 से 8 1, 3 से 27, 3 से और ये हो जाएगा 27 9 और 3 से ये हो गया 3। ये देखिएगा सर 3√3 चाहिए आपको, तो ये देखिएगा 3√3, 3 6, 1 2 3 4 5 है, ये देखिए ये भी पावर 6, 1 2 3 4 5 और एक 3 ले लीजिए, ये 6 हो गया 3। अब कितने 3 बचे? 1 2 3, इसको भी √3, 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 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको लिख सकते हैं आप 3√6 × √3, दोनों को मिला दीजिए तो 3√3 पे पावर 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने लिख दिया इक्वल टू लॉग 3√3 पे पावर 6 और ये 3√3, 6 पहले आ गया, 6 लॉग 3√3, बेस है 3√3, लॉग ए बेस ए की वैल्यू 1, 6 × 1, 6 आंसर इक्वल, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, ए आंसर सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62 भी सॉल्व हुआ, नोट कर लिया आपने? क्वेश्चन नंबर आ जाइए 63। क्वेश्चन नंबर है 63, एडिशनल क्वेश्चन बैंक। 4 log 8/25 −3 log 16/125 −log 5, और इसको लिख सकते हैं आप 4
लॉग एट को लिख सकते हैं, ये लॉग एम बाई एन है तो ये हो जाएगा लॉग एट, और लॉग एट को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 माइनस लॉग 5 का पावर 2, 25 को, ये हो जाएगा -3। लॉग 16 को लिख सकते हैं आप 2 का पावर 4 माइनस 125 को लिख सकते हैं आप लॉग 5 का पावर 3, और इधर है माइनस लॉग 5, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, 3 पहले आ जाएगा, ये 3 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 log 2, बेस सबका सेम है, जो भी है सेम है, माइनस ये 2 पहले आ जाएगा तो 2 पहले आ गया तो 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 8 log 5 -3, 4 पहले आ गया ट्वेल्व लॉग 2, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 3 पहले आ गया, 3 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 log 5 माइनस लॉग 5 जैसे था लिख दिए। ये देखिएगा 12 log 2 प्लस में माइनस 12 log 2, और ये माइनस लॉग 5 है, ये माइनस लॉग 5, ये माइनस 8 log 5, 8 log 5 और एक और ये जोड़ लीजिए, माइनस 9 log 5 हो जाएगा, माइनस 9 log 5 और प्लस 9 log 5, ये पूरा कैंसिल, वैल्यू आ गई 0। आंसर क्वेश्चन नंबर 63 भी हो गया, और क्वेश्चन नंबर 64 भी करवा देते हैं, तब जाके ये क्लास खत्म करते हैं और अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 64। ए टू दी पावर लॉग बी माइनस लॉग सी इंटू बी टू दी पावर लॉग सी माइनस लॉग ए इंटू सी टू दी पावर लॉग ए माइनस लॉग बी। और जानते हैं आप लॉग बी माइनस लॉग सी को ए टू द पावर लॉग बी बाई सी इंटू बी टू द पावर लॉग सी बाई ए इंटू सी टू द पावर लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था यहाँ सर बेस क्लियर नहीं है, तो यहाँ का बेस ए है तो यहाँ का भी बेस ए है, यहाँ बेस बी है तो यहाँ का भी बेस बी है, यहाँ बेस सी है तो यहाँ बेस सी है, और इस तरह से हमने आपको बताया था ए का पावर वैल्यू हो लॉग एक्स बेस ए तो इसकी वैल्यू एक्स आती है, ये दोनों बेस सेम हो तो इसकी वैल्यू एक्स आती है, ये नहीं दिया हो तब भी हम ये मानते हैं कि बेस ए पे ही काम हो रहा है, वैल्यू एक्स आती है तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी बी बाई सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटू सी बाई ए, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बाई बी, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, 1। आंसर तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 64 तक हमने सॉल्व करवा दिया आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी एक्सरसाइज 1D एडिशनल के क्वेश्चन नंबर 64 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।